थंबनेल्स आर बाय फार वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि आप सिर्फ अच्छे थंबनेल्स लगा के अपने व्यूज 50-70 इवन की 100% तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जब मैंने इस वीडियो में एक बेसिक सा थंबनेल लगाया था तो मेरे व्यूज बहुत एवरेज थे, टिपिकल थे, लेकिन इस पॉइंट पे जब मैंने थंबनेल चेंज किया तो मेरे व्यूज भी स्काई रॉकेट हो गए। अब अगर आपको लगता है कि हाई क्वालिटी थंबनेल्स बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे पीसीज या सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारे थंबनेल्स अपने फोन से बनाए हैं, और आज की वीडियो में मैं जैसे थंबनेल्स बनाता हूं एग्जैक्टली वही ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपका थंबनेल यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ब्लर हो जाता है तो उसका भी सलूशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो थंबनेल्स बनाने के लिए मैं मेनली दो एप्स यूज करता हूं, पिक्सेल लैब एंड पिक्सआर्ट। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाके डाउनलोड कर लीजिए। और थंबनेल बनाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, तो चलिए पहले हम उनके बारे में जानते हैं। नाउ थंबनेल बनाने से पहले आपको वीडियो का टाइटल और उसको बनाने का पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस मतलब कि आप वीडियो बना क्यों रहे हैं। जैसे मेरे वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, तो उसको बनाने का पर्पस ये है कि मैं ऑडियंस को कुछ ऐसे मेथड्स बताऊं जिनको यूज करके वो अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो का टाइटल और पर्पस पता चल जाने के बाद अब सवाल आता है कि हम थंबनेल्स बनाते क्यों हैं। तो देखिए, थंबनेल बनाने के मेनली दो रीजंस होते हैं। पहला कि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना कि वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके, और दूसरा कि अपने थंबनेल में इतनी क्यूरियोसिटी या इमोशन ऐड करना कि लोग उस पे क्लिक कर सकें। फॉर एग्जांपल, इस थंबनेल में मैंने जो भी एलिमेंट्स यूज किए हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, एरो हो या फिर ये साउंड वेव हो, ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि मैं अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव और क्लिकेबल बना सकूं। नाउ किसी भी थंबनेल को अट्रैक्टिव और क्लिकेबल बनाने के लिए हम मेनली चार चीजें ऐड करते हैं। पहला टेक्स्ट, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन, तीसरा इमेजेस, और फोर्थ में हम ऐड करते हैं इमोजीज, एरोस या फेशियल रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विथ टेक्स्ट। नाउ अपने थंबनेल में आपको ऐसा टेक्स्ट ऐड करना है जिसका फॉन्ट सही हो, अलाइनमेंट सही हो, उसमें चार से ज्यादा वर्ड्स ना हो और उसका साइज एंड कलर सूटेबल हो। नाउ देखो, अपने थंबनेल्स के टेक्स्ट में ज्यादातर क्रिएटर्स ये चार फॉन्ट्स यूज करते हैं, मॉन्स्ट्रेट, एंटोन, पॉपिंस और रोबोटो। और इनको ज्यादा इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सिंपल हैं, इजिली रीडेबल हैं और थंबनेल्स के साथ इजिली ब्लेंड हो जाते हैं। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा फॉन्ट चाहिए तो ये एक वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको साथ में दे दूंगा। आप इस पे आके यहाँ पे सैंस सेरिफ एंटर करिएगा और फिर कमर्शियल यूज को टिक करके आपको यहाँ पे काफी सारे फ्री वाले फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो इनको आप आराम से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नाउ सही फॉन्ट यूज करना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर मान के चलो आपने ऐसा कोई बेकार सा फॉन्ट ऐड कर दिया तो थंबनेल में है क्या, ये लोगों को समझ में ही नहीं आएगा और वो आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। इसीलिए फॉन्ट हमेशा सही यूज करिएगा। इसके अलावा अलाइनमेंट भी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को राइट साइड में पोजीशन कर दिया तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हमारी जो आदत होती है वो लेफ्ट टू राइट पढ़ने की होती है। तो इसीलिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमेशा या तो लेफ्ट या फिर सेंटर में रखिएगा। और साथ में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि टेक्स्ट में आप जो वर्ड्स यूज करते हैं वो चार से ज्यादा ना हो, बिकॉज कम वर्ड्स यूज करेंगे तो आप टेक्स्ट का साइज बड़ा रख सकते हैं और ऑडियंस का अटेंशन भी जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस थंबनेल में बहुत सारे वर्ड्स यूज करता हूं तो ये लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वहीं अगर मैं सिर्फ ये दो वर्ड्स यूज करता हूं तो इस पे ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस हैं क्योंकि ऑडियंस को ये थंबनेल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ टेक्स्ट में आप एक और चीज क्या कर सकते हैं कि जिस टेक्स्ट पे आपको ऑडियंस का फोकस लाना है उसका साइज आप इंक्रीज कर दीजिए या फिर उसका कलर चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने इस थंबनेल में ग्रीन कलर यूज किया है तो इसका मतलब मैं ऑडियंस को इस वाले वर्ड पे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। अब टेक्स्ट का ऐसा कौन सा कलर रखेंगे जो आपके बैकग्राउंड पे शूट करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो थंबनेल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी थंबनेल में यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट यूज करता हूँ तो ये थंबनेल बेकार लगने लगेगा, और इसीलिए सही कलर कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कुछ स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशंस जो मेजोरिटी लोग अपने थंबनेल्स में यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे आप ब्लैक बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट का कलर व्हाइट, रेड, येलोइश, ग्रीनिश या फिर स्काई ब्लू रख सकते हैं। एंड इसी तरीके से और भी कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी दूसरे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी अपने लिए सूटेबल कलर कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ इमेजेस यूज करके भी हम अपने थंबनेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लिकेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये थंबनेल देखिए।
आई बेट कि अगर 100 लोगों को ये थंबनेल दिखाया जाएगा तो उसमें से कम 80 लोग तो इस पे क्लिक करेंगे ही, क्योंकि इसमें एक बिल्ली ने बलून पकड़ा हुआ है जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते। ये बहुत अनयूजुअल है और यही इस इमेज को अट्रैक्टिव बनाता है। नाउ यहीं पे किसी के हाथ में एक पिन है जो शायद बलून को फोड़ने के लिए जा रहा है और इससे क्यूरियोसिटी ये होती है कि भाई क्या बलून फूट जाएगा या बिल्ली बलून लेके भाग जाएगी। इसके बाद ये थंबनेल भी सिमिलर वैसा ही है। इसमें एक बंदा पानी के अंदर है जिसके हाथों से खून निकल रहा है और पीछे से एक शार्क आ रही है। हम नॉर्मली हम ऐसा नहीं देखते एंड यही इस थंबनेल को हाईली क्लिकेबल बनाता है। तो मतलब अगर हम अपने थंबनेल में कोई ऐसा इमेज यूज करते हैं जो यूजुअल नहीं है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे एंड इसीलिए हम इमेजेस को अपने थंबनेल्स में यूज करते हैं। नाउ आप अपने थंबनेल में फेशियल रिएक्शंस, इमोजीज या एरोज वगैरह यूज करके उसको और अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। जैसे एरोज यूज करके आप ऑडियंस का अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में किया है। इसके अलावा इमोजीज यूज करके आप अपने थंबनेल में इमोशंस और अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने थंबनेल में फेशियल रिएक्शंस भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप खुद के फेशियल रिएक्शंस यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपका चैनल स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपका फेस एक ब्रांड बन जाता है। जैसे टेक बर्नर या MKBHD अपने वीडियोस में अपना फेस यूज करते हैं ना, वैसे ही आप भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बता तो बहुत कुछ दिया, अब उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। इसके बाद पर्पस ये है कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसको यूज करके ऑडियंस अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पिक्सल लैब में और बाकी की कार्रवाई वहां करते हैं। तो गाइस पिक्सल लैब में आके सबसे पहले इमेज साइज 1280x720 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मली मैं अपने थंबनेल में ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूं तो मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। अब हमारे वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा चैनल दिखाना पड़ेगा जिसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसके लिए मैं अपने ही चैनल का स्क्रीनशॉट यूज करूंगा, उसको थोड़े से एडिट्स कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं न्यू चैनल करके एक टेक्स्ट ऐड करूंगा, उसका कलर ब्लैक और बैकग्राउंड व्हाइट सेलेक्ट कर लूंगा और टेक्स्ट रेंज की जगह पे इसको पोजिशन कर दूंगा। वैसे ही सब्सक्राइबर्स में भी 1K सब्सक्राइबर्स का टेक्स्ट ऐड करके कलर में इसका यही सेलेक्ट करूंगा ताकि देखने में नेचुरल और रियलिस्टिक लगे और फिर इसको भी इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन कर देंगे। नाउ इमेज तो हमारा ऐड हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फेटी ऐड कर देता हूँ ताकि ये और इन्हांस हो जाए। तो ये कुछ कॉन्फेटीज मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद अब आती है टेक्स्ट ऐड करने की बारी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 4 वर्ड से ज्यादा टेक्स्ट में यूज नहीं करने और ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो या तो इमोशनल हो या ऑडियंस को क्यूरियस करे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा टारगेट, फॉन्ट में इसका सेलेक्ट कर लूंगा मॉन्स्ट्रेट ब्लैक और उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा अचीव्ड, ये सारे बोल्ड लेटर्स में होंगे, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका मैं कलर भी चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑडियंस इस टेक्स्ट पे फोकस करे। नाउ ये सब हो जाने के बाद ये 1K सब्सक्राइबर्स को भी मुझे हाईलाइट करना है तो मैं यहां से एक एरो ऐसे ऐड कर दूंगा कि कौन सा टारगेट अचीव हुआ तो 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्फेटीज ऐड किए थे वो मुझे थोड़े से अजीब से लग रहे हैं तो मैं उनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और आपको भी यही करना है कि अपने थंबनेल में जो भी अनवांटेड पार्ट्स होंगे उन सब को रिमूव कर देना है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ऑडियंस आपके थंबनेल पे क्लिक नहीं करती है। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद हम चलेंगे पिक्सआर्ट में क्योंकि हमारा थंबनेल YouTube पे अपलोड करने के बाद ब्लर हो जाता है तो हम इसको थोड़ा सा और एडिट करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। तो अपना थंबनेल इंपोर्ट करने के बाद इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाके HDR1 का इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्लर को 0 कर देंगे, फिर टिक पे क्लिक करेंगे, वापस से इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, ब्लर के ऑप्शन में जाके फिर यहां से स्मार्ट ब्लर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हार्ड लाइट में इसको ब्लेंड करेंगे और मैक्स ब्लर को इंक्रीज कर देंगे, वापस से टिक पे क्लिक करेंगे, अब फिर से इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, सार्पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ इस फेड को 60 कर देंगे। अब एक बार लास्ट टाइम वापस से इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, आर्टिस्टिक के ऑप्शन में जाके यहाँ से ऑयल पेंटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट को 10 कर देंगे और फेड को 30 कर देंगे एंड वापस से टिक पे क्लिक कर देंगे।
तो फाइनली अब हमारा फाइनल थंबनेल रेडी हो गया है, तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आप अच्छे से थंबनेल बनाना तो सीख गए, लेकिन YouTube पे सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ थंबनेल से काम नहीं चलता, उसके लिए आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए और उसमें भी आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके वीडियो में। तो मैंने ये दो वीडियोस बना रखे हैं जिनको देखने के बाद आप बिना माइक के भी बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।